दाता सिंहवाड़ा बॉर्डर पर किसान की जत्थेबंदियों का भारी जमावड़ा। पुलिस के पुख्ता प्रबंध, किसानों को रोकने के लिए केमिकल युक्त वाटर कैनन का प्रयोग और आंसू गैस के गोले भारी संख्या में छोड़े गए। पूरे दिन दाता सिंहवाड़ा बॉर्डर की तरफ से पंजाब के किसानों का जमावड़ा बना रहा। हरियाणा पुलिस की भी बॉर्डर पर पूरी तैनाती रही। पुलिस ने पहले दबाव बनाने के लिए केमिकल युक्त वाटर कैनन का इस्तेमाल किया, जिससे लोगों की आंखों में और चेहरे पर जलन महसूस हुई। उसके बाद आंसू गैस के गोले छोड़े गए। जत्थेबंदियों के पहुंचने पर पुलिस ने आंसू गैस गोले फेंकने की गति बढ़ा दी, जिससे किसान रुक गए और बॉर्डर तोड़ने की कोशिश नहीं की। किसान पंजाब की तरफ इकट्ठा होते रहे और एक बड़ी जत्थेबंदी के रूप में बॉर्डर की तरफ कूच करने की कोशिश की तो पुलिस की तरफ से भारी संख्या में आंसू गैस के गोले छोड़े गए, जो काफ़ी खतरनाक थे। और अर्धसैनिक बलों ने हरियाणा बॉर्डर क्रॉस करके पंजाब की तरफ से किसानों को पीछे खड़े होने के लिए पंजाब में प्रवेश किया। इसके बाद किसान काफ़ी संख्या में थे जो पीछे हट गए, लेकिन लगातार सड़क पर डटे हुए हैं। ऐसा जताया जा रहा है कि रात या सुबह के समय दाता वाले बॉर्डर को तोड़ने की फिर कोशिश की जा सकती है। लोगों में काफ़ी नाराजगी देखने को मिली। किसानों का कहना है कि किसान अपने हक के लिए केंद्र सरकार के पास जाना चाहते हैं। हरियाणा की सरकार का इससे कोई लेना देना नहीं है। हरियाणा सरकार सख्ती क्यों कर रही है? किसानों को रोकना हरियाणा सरकार के बस की बात नहीं है। हम भारी संख्या में इकट्ठे होकर बॉर्डर को फिर तोड़ेंगे। देखिए ये रिपोर्ट। बात नहीं, किसी भी चीज का पानी हो, हर चीज का जवाब दिया जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। तो दिल्ली जाने की जरूरत क्यों पड़ी हमें? एकदम सरकार हमारी मांगे पूरी नहीं कर रही। सुनो भाई, वोट बुटा जी, सुनो, चलो जिस तरह से पुलिस सख्ती कर रही है तो कहाँ देखते हैं इसको? कोई बात नहीं, किसानों की रणनीति भी पूरी तैयार है। सड़कों पे किले लगा दी गई है। कोई बात नहीं, तैयार है। ये क्या कहना चाहो, दिल्ली जा रहे हो, कूच कर रहे हो, पुलिस से सख्ती की हुई है? और कल भी सरकार से सरकार ने एक बहाना बाजी निकाली जो देश को कुछ देने वाली नहीं। और आज बड़ी संख्या में करीब संगरूर से पीछे तक काफला बहुत बड़ा लंबा पहुंच रहा है। और इस सरकार ने पंजाब को एक पाकिस्तान का रूप दे दिया, सब बॉर्डर बंद कर दिए। और ये सरकार तानाशाही है और इस सरकार को पता चल जाएगा।